आज है थर्सडे और हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे. सुबह के बज रहे हैं 6:30 और कहाँ जा रहे हैं रोड ट्रिप पे? अमृतसर जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल. रेनिंग भी हो रहा है, बट इट्स ओके. हमने गाड़ी बुक कर लिया एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं भैया भाभी और चारे बच्चों के साथ बाहर एक साथ. और गोल्डन टेम्पल डेफिनेटली मेरे विश लिस्ट में था, तो आज उस पे चेक मार्क. अभी बज रहे हैं 10:00. 2 घंटे हुए, 8:00 निकले थे हम, लेट हो ही जाता है बच्चों के साथ. अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने हवेली में, जलंधर. बहुत ही फेमस जगह है ब्रेकफास्ट के लिए, लाइक खाने के लिए. और वैसे भी आप पंजाब के ढाबे बड़े फेमस होते हैं. जब भी आप रोड ट्रिप पे निकलो, बहुत अच्छे अच्छे पंजाबी ढाबे मिलते हैं और अमेजिंग खाना होता है. जब आप दिल्ली रहते थे ना, और जब भी चंडीगढ़ आते थे, तो हमेशा ढाबे पे रुक के पराठे खाते थे. फेमस ढाबा था सुखदेव का ढाबा, बहुत अमेजिंग पराठे होते. लंबी वेटिंग है, हम है भी ना इतने सारे, बड़ी जगह चाहिए. This is a good day, yes, any. To start. उनके मिलेंगे ना, ले चलो. किसके लिए? क्या उठाओगे इससे? सॉल्ट मसाले के लिए? हाँ. ये तो मिल जाते हैं. ऐसे वाले तो मिल जाते हैं. अचार के लिए ना? The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin. खाना मस्त था, बहुत ही मजेदार पराठे थे. और यशा ने डोसा खाया था, वो भी बहुत अच्छा था. एम्बियंस भी बहुत अच्छा है और बारिश हो रही है. भागो भागो. नहीं भागो नहीं, स्लिप कर जाओगे. नहीं, लेग पेन करेंगे सक्षम भैया के. लैप पे नहीं बैठे, नहीं लैप पे नहीं, सीट पे. सीट नो. हम पहुंच गए अभी अमृतसर. और चंडीगढ़ से अगर नॉन स्टॉप चला जाए तो 4 घंटे इनफ है. 3.5-4 घंटे, 3.5-4 घंटे. और रोड्स काफी अच्छे बना दिए ना, पहले ऐसे नहीं थे. पहले बहुत टाइम लगता है, 5 घंटे मिनिमम था. हाँ, रोड्स अभी काफी अच्छे बना दिए हैं, तो जल्दी पहुंच जाते हैं. अभी हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ रहेंगे. अभी पता नहीं क्या ये सराय गुरुद्वारे का ही सराय है ना. बट हो सकता है यहीं पे रहे. काफी अच्छा, काफी फेमस है ये सराय. अच्छा, डोंट शाउट. तो अभी हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल. ठंड बहुत है, हवा चल रही है, थैंकफुली बारिश नहीं हो रही है. शाम को भी ना हो बारिश तो अच्छा है, क्योंकि बागा बॉर्डर जाना है. केसरी मूवी का, मतलब केसरी मूवी इस पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है. काफी
ही रश है बट बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। दर्शन और यहाँ पे ना ये हेड कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पता ही है आप लोगों को। तो या तो आप रुमाल चुन्नी घर से ले आओ, या फिर यहाँ पे शॉप पे भी मिलता है, या फिर मेन एंट्रेंस में ये फ्री में भी मिल जाता है आपको। और एंट्रेंस के दो लाइन है, एक कॉमन लाइन है, एज अ फैमिली जा सकते हो, और एक है लेडीज़ लाइन। लेडीज़ लाइन बहुत फास्ट जाता है, हम उसमें लगे थे और हमारे निकलने के 20-25 मिनट बाद अनुज लोग आए, तो अच्छा है। वैसे फैमिली लाइन नहीं लगो, और फ़ोन अलाउड होता है बट मेन एंट्री से आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट ये अच्छी बात है कि फ़ोन अलाउड होता है, ताकि इधर उधर हो गए तो फ़ोन तो कर सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फुलकारी सूट दुपट्टे का शॉप है, इवनिंग में होगा तो आएंगे देखने के लिए। काफ़ी लेट हो गया, अभी बाघा बॉर्डर जा तो रहे हैं, नॉट श्योर कि अभी देख पाएंगे या नहीं, देखते हैं क्या होता है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है तो काफ़ी मडी मडी। बाघा बॉर्डर पहुंच गए हैं हम, बट बहुत बारिश हो रही है। और क्या हुआ, हाँ, और 4:15 से स्टार्ट हो जाता है विंटर्स में ना परेड, बट हम बहुत लेट हो गए। अब निकले ही गोल्डन टेम्पल से लेट, अराउंड 1 आवर पहले आना चाहिए, तो हो नहीं पाया, देखते हैं क्या होता है। एंट्री बंद हो गई, इतनी दूर आए, काफ़ी दूर है, कितना टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया गोल्डन टेम्पल से आते हुए। एंट्री बंद हो जाती है, सब वापस आ रहे थे, अभी खत्म भी हो गया परेड, सब वापस आ रहे हैं, और शाम को ही होती है, सुबह नहीं होती है, और कल दिन में हमें निकलना है तो मिस हो गया। डैडी का फेवरेट कढ़ी चावल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल रात से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, लाइक इतना अच्छा वेदर था बट जब हम अमृतसर आए तभी बारिश हो रही थी, लाइक ये बारिश ना कनाडा से पीछा नहीं छोड़ रही, हमारे साथ साथ चल रही है ना कियूष। और अभी भी बारिश हुए जा रही है, पता नहीं क्या ही होगा। मैं रेडी तो हो गई हूँ, मुझे यार शॉपिंग करनी है, लाइक इतने प्यारे प्यारे शॉप्स हैं यहाँ पे, और कोल्हापुरी जूती मैंने बहुत ढूंढी चंडीगढ़ में नहीं मिली, और मुझे वो लेना है, और यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे शॉपिंग करनी है कि उसमें कैसे करूँ। और अमृतसर आए तो एक सूट लेना तो बनता है, सूट या दुपट्टा कुछ तो लूँ, तो देखती हूँ कितना हो पाता है, कोशिश पूरी रहेगी कि हम थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले। और क्या करने वाले हैं, हाँ भैया बोल रहे थे कि रुक जाते हैं शाम तक और बाघा बॉर्डर देख लेते हैं, बट ऐसा अगर वेदर रहे, बारिश इतनी हैविली होती रहे, तो वहाँ पे सब कुछ ओपन है, बच्चों के साथ मुश्किल है, बट इन दोनों ने सरप्राइज किया है मुझे, इतने अच्छे से रहे हैं ये, इतना एंजॉय किया है, लाइक मुझे नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा रश में, जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि यार इतना ज़्यादा रश है, अब आदत रही नहीं है तो इतना ज़्यादा रश था, लेकिन इन दोनों मस्ती फुल और मस्ती किया है, मज़े किए, हाँ इरिटेट तो हो ही जाते हैं, हम बड़े ही इरिटेट हो जाते हैं तो ये तो होंगे ही, बट गुड बॉय एंड गुड गर्ल। अभी बारिश थोड़ी कम तो हुई है, ये देखो बाहर फॉगी फॉगी है, बट क्लाउडी और फॉगी फॉगी, हम शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जस्ट नीचे ही सारे शॉप्स हैं, ये विंडी है, हाँ विंडी तो है। ये शायद थोड़ा हिंदी बोल के दिखाओ, ये शायद इतना ज्यादा हिंदी बोल रही है यहाँ आने के बाद, है ना, है ना ईशा। और कल रात को ना हमने जहाँ डिनर किया, ब्रदर्स द ढाबा, यहाँ अमृतसर का बहुत ज्यादा फेमस है, कोई भी फूड रिव्यू ढूंढो, यूट्यूब वीडियो देखो, सब
बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना. तो हम बड़े एक्साइटेड होके गए. अमृतसरी कुलचे थाली मंगवाई थी मैंने और अनुज ने कड़ी चावल लिया था. लाइक अच्छा था, ठीक था, बट इतना कोई अमेजिंग नहीं था. तो उसे बहुत बहुत अच्छा हवेली का खाना था. इस वाले जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी हवेली का रेस्टोरेंट था, हमने तो सोच लिया ब्रेकफास्ट में ही करना है. अमेजिंग खाना था हवेली का. मुझे कल वो ब्रदर्स द ढाबा में नहीं अच्छा लगा. लाइक किसी को नहीं अच्छा लगा. मे बी विथ टाइम उनका थोड़ा फूड लेवल डाउन हो गया है या फिर हमारा टेस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अप हो गया है, आई डोंट नो. और कल गोल्डन टेम्पल बहुत अच्छा लगा. लाइक हम सोच रहे थे कि रात को बच्चों को सुला के एक बारी नाइट व्यू लेके आते, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो नहीं हो पाया. बट बहुत अच्छा लगा. अगर शांति से थोड़ी देर बैठ पाते ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता. बहुत ही पीसफुल और अमेजिंग जगह है. लाइक यस, लाइफ टाइम में एक बारी देखने वाली जगह तो ज़रूर है. और डेडी अमृतसर कैसा लगा? आयो आप तो आयो. बट पहले से तो बहुत बेटर. ये कॉरिडोर वॉरिडोर बना दिया. ये पहले नहीं था, ये तो अभी बना है. अच्छा, ये वाली चीजें, ये जो जितने भी है नीचे कुछ भी नहीं था पहले. ये इवन जो कल वहाँ गए थे वाघा बॉर्डर, उसमें भी जो उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह किया, पहले ऐसे कुछ नहीं था कि आप एक तरफ से आ रहे हो, पार्किंग ऐसा कुछ नहीं था. अभी तो बहुत अच्छा हो गया. लेकिन हाँ, क्राउडेड तो है. क्राउडेड तो है, कितना बहुत ज्यादा लोग आते हैं एवरी डे गोल्डन टेम्पल में. क्राउडेड तो टूरिज्म पर्पस से ही डेवलप किया है ना. वो हॉपन, वो साइट सीइंग वाले बसेस भी चलते हैं यहाँ पे. तो सही है, अगर आप मतलब अकेले हो, कपल हो, तो ऐसे बसेस में ट्रैवल करने में मजा आता है. वेदर इतना अच्छा हो गया है अब, काफी अच्छा लग रहा है. उतनी ठंड नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह वॉक करने में. ये रही साइट सीइंग बसेस. शॉप्स ऑलरेडी ओपन हो गई हैं, कुछ ओपन हो गई हैं. यहाँ से शुरू हो जाता है गोल्डन टेम्पल जाने का रास्ता. ये वाले स्टैचूज बहुत अच्छे बनाए हुए. ट्री डॉग्स बहुत हैं यार, और आप लोगों को पता ही है मुझे कितना डर लगता है. मेरा तो साइज ही नहीं मिलता यार, दुख भरी दास्तान. फाइनली एक जूती तो ले ली. बहुत प्रिटी प्रिटी जूतियां हैं लाइक, बट ज्यादा लेके क्या करो ना. पहले करा के हम आपके बोनी करा रहे हैं हम, क्या बात. हेलो, गुड मॉर्निंग कर दो सब. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी. हम लोग भी खाएंगे. अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट. गुड मॉर्निंग मम्मी. अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, और अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है. और अनुज बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी है. अब इनको तो कहाँ ही पता होगा. हाँ ऑब्वियसली सक्षम को तो पता है, उसने इसी ग्रेड में पढ़ा है, तो उसको बहुत इंटरेस्ट है कि मैं देखूंगा कि कहाँ पे क्या कैसे हुआ. पर ये सारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या? हाँ, चारों तरफ काम चल रहा है यहाँ पे, तो अच्छा दिखेगा. और यहाँ पे सारे स्कूल ट्रिप आए हुए. क्या करते हैं इसका? ये नीचे ग्राउंड में गड्ढा खोदते हैं. हाँ, ये डालते हैं और उसके ऊपर फिर मिट्टी भर देते हैं. तो जो पानी होता है ना, तो ये जितने पीछे स्पेस है ना, हाँ, इनमें रहता है. वो देखो एक ब्लू कलर का भी पड़ा हुआ है ना, कैन टाइप्स. हाँ, मैनहोल है. तो लाइक रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए. रेन वाटर पर्कुलेट डाउन होगा, नीचे होगा, जमीन में जाएगा. अच्छा,
met someone from Happy Home Family. Hi, I'm Jessie from Melbourne and I follow Suchi on her vlog. She's such an adorable family she's got. Please do subscribe to her channel. That's so wonderful. That's really so sweet of you. अभी जा रहे हैं हम पार्टीशन म्यूजियम और अच्छी सी शॉपिंग होगी. बहुत ज़्यादा नहीं लेना था, मुझे एक ही सूट लेना था जस्ट कि हाँ चलो अमृतसर से सूट लिया, फुलकारी सूट और मेरा फेवरेट बॉटल ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सूट है सिल्क के ऊपर, और एक दुपट्टा भी ले लिया और एक दो जूती भी हो गई है. तो परफेक्ट शॉपिंग डन है, वेदर अच्छा है. होपफुली हम बाघा बॉर्डर भी जाएंगे सोच रहे हैं, जब आए हैं तो पूरा कर ही लेते हैं. और चारों तरफ इतने ये रेड कलर का बिल्डिंग्स है ना, चारों तरफ ऐसे ही बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा लुक बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है. और ये केयूष को हम दिखा रहे थे यहाँ का फायर इंजन, तो बड़ा खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया ये देख के. म्यूज़ियम काफ़ी इंफॉर्मेटिव था अगर आपको इंडिपेंडेंस के बारे में, फिर पार्टीशन के टाइम के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा. काफ़ी चलना पड़ता है और अंदर कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. ये देखो दोस्तों सरसों की खेत, DDLJ वाली पंजाब. अभी हम जा तो रहे हैं बाघा बॉर्डर, बट कुछ नहीं पता क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आज पब्लिक के लिए ओपन नहीं है. वैसे वेदर ठीक है, बारिश नहीं हो रही है. यहाँ की सरसों की खेत वो DDLJ वाली नहीं है, अभी पूरे बड़े नहीं हुए. जब बड़े हो जाते फिर वो DDLJ वाले खेत बन जाते. वो वाला खेत देखना था यार, DDLJ अभी नहीं मिलेगा. एक अंगूर जा खेतों में चरने जा, फिर मैं शूट करता हूं. मार्च में अप्रैल में पक जाते ना, मार्च में मिलेगा. अच्छा, बड़ी हो जाती है ना. चलो मार्च अप्रैल में आना पड़ेगा DDLJ का खेत देखने के. पंजाब को तो मैं MSC DDLJ में लिया. फाइनली हम बाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं. फाइनली कल से कोशिश कर रहे हैं बट हमने ये तो पूरा कैप वैप पहन के, वो भी टोपी के ऊपर. आई लव माई इंडिया. वो पहन नहीं रहा था मैं. हम चंडीगढ़ वापस आ गए हैं. कल रात को काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 हो गया था, क्योंकि नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बारिश भी हो रही थी तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया. बाघा बॉर्डर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अमेजिंग रहा. लाइक हमेशा सबसे सुना था कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, तो खुद से फील करके डिफरेंट सी फीलिंग होती है, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. तो बस चलिए ये ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड. होप आप लोगों ने ये अमृतसर का ब्लॉग एंजॉय किया होगा. थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी. सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी. तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज. बाय. Never felt